हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल फैक्ट वर्ल्ड। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला मुक्केबाज पूजा रानी के बारे में। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बगल के बेल आइकन को दबा दें, जिससे वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पूजा रानी के पर्सनल डिटेल्स के बारे में। तो आपको बता दें कि पूजा रानी का फुल नेम है पूजा रानी बोहड़ा। दोस्तों, पूजा रानी का जन्म 17 फरवरी 1991 को निमरी वाली भिवानी हरियाणा में हुआ था और 2021 के अनुसार से वह फिलहाल 30 वर्ष की हैं। यदि बात करें पूजा रानी के राशि चक्र चिन्ह के बारे में, तो पूजा रानी का राशि चक्र चिन्ह है तुला राशि। वहीं बात करें पूजा रानी के फिजिकल स्टैट्स के बारे में, तो आपको बता दें कि पूजा रानी का हाइट है करीब 173 सेंटीमीटर यानी 5 फीट 8 इंच। वहीं इनका वजन है करीब 75 किलोग्राम। यदि बात करें पूजा रानी के आई कलर की, तो इनका आई कलर है ब्लैक। वहीं इनका हेयर कलर भी है ब्लैक। दोस्तों, अब बात करते हैं पूजा रानी के फैमिली मेम्बर्स के बारे में। तो आपको बता दें कि पूजा रानी के पिता का नाम राजवीर सिंह है, जो कि एक पूर्व सब इंस्पेक्टर थे। वहीं इनकी माता का नाम दमयंती देवी है। यदि बात करें पूजा रानी के भाइयों और बहनों के बारे में, तो पूजा रानी का एक बड़ा भाई है जिनका नाम है अरविंद बोहरा। वहीं इनकी एक बड़ी बहन भी है जिनका नाम है पूनम बोहरा। दोस्तों, पूजा रानी एक भारतीय मिडिल वेट बॉक्सर हैं। वह 75 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में पार्टिसिपेट करती हैं। वह निमरी वाली भिवानी हरियाणा में एक मध्यवर्गीय परिवार में पली बढ़ी। लेकिन दोस्तों, कुछ समय बाद उनके पिता को उनके मुक्केबाजी में शामिल होने के बारे में पता चल गया। उन्होंने उन्हें पूरी तरह से डांटा और बॉक्सिंग क्लास जाने से मना कर दिया। जब पूजा रानी के बॉक्सिंग कोच संजय कुमार ने पूजा को बॉक्सिंग एकेडमी से गायब देखा, तब वो उनके घर गए और पूजा को अपने कैरियर के रूप में बॉक्सिंग को आगे बढ़ाने के लिए उनके पिता को मनाने की कोशिश की। हालांकि पूजा के पिता अभी भी उनके इस फैसले के खिलाफ थे। अपने पिता को बॉक्सिंग को कैरियर विकल्प के रूप में अपनाने के लिए मनाने में उन्हें लगभग 6 महीने का समय लग गया। 2009 में उन्होंने हरियाणा की एक फेमस मुक्केबाज प्रीति बेनीवाल को हराकर राष्ट्रीय युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप को अपना पहला रजत पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 2012 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भी रजत पदक जीता। इसके बाद उन्होंने 2012 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित अराफूरा खेलों में भाग लिया और रजत पदक जीता। इस जीत ने 2016 के रियो ओलंपिक की ओर उनका रास्ता आसान कर दिया। हालांकि उन्हें 2016 में एपीआई महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हार का सामना करना पड़ा, जिससे उनके लिए 2016 के रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करना मुश्किल हो गया। इसके बाद पूजा रानी ने 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन वह ब्रिटिश मुक्केबाज सावना मार्शल से हार गई। इसके बाद उन्हें AIBA महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप से भाग लिया, लेकिन पहले ही दौर में वह बाहर हो गई। 2016 में पूजा के हाथ में सर्जरी करनी पड़ी, क्योंकि दिवाली समारोह के दौरान उनका हाथ जल गया था। सर्जरी के कारण वह 7 से 8 महीनों तक बॉक्सिंग से दूर रही। इससे उबरने के कुछ ही समय बाद उन्हें कंधे में चोट लग गई और वह बॉक्सिंग से कुछ दिनों के लिए दूर हो गई। 2020 में उन्होंने एशिया ओशनिया ओली क्वालिफायर में महिलाओं के 75 किलोग्राम के क्वार्टर फाइनल मैच में पॉर्न नीपा चूटी को हराया और 2020 टोक्यो ओलंपिक के लिए अपनी जगह बनाई। ऐसा करने वाली वह पहली भारतीय महिला बनी। मुक्केबाजी के अलावा वह हरियाणा सरकार में आयकर निरीक्षक के रूप में भी काम कर रही हैं। जब वह फ्री होती हैं, तो पूजा को ट्रैवल करना बहुत ही पसंद है और पूजा रानी एक फिटनेस लवर भी हैं और जब वह खाली होती हैं, तो जिम जाया करती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि पूजा रानी एक डॉग लवर भी हैं और उनके पास जेरी नाम का एक पालतू डॉग भी है। 2015 में उन्हें मुक्केबाजी में अच्छे योगदान के लिए भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पूजा को 2021 में क्रीडा मैगजीन के कवर पेज पर भी दिखाया गया था। दोस्तों, यदि बात करें पूजा रानी के कार्स कलेक्शन के बारे में, तो आपको बता दें कि पूजा रानी के पास एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है जिसकी कीमत है करीब 20 लाख रुपए। वहीं दोस्तों, बात करें पूजा रानी के नेटवर्थ के बारे में, तो आपको बता दें कि पूजा रानी का नेटवर्थ है करीब 4 to 5 million US dollars। दोस्तों, पूजा रानी अभी भारत का प्रतिनिधित्व टोक्यो ओलंपिक में कर रही हैं और पूरे देश को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो दोस्तों, यह थी पूजा रानी के बारे में शॉर्ट लाइफ स्टाइल वीडियो। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।